तो आज हम सीख रहे हैं मेलिंग्स का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर किस तरह से काम करता है और उसको प्रॉपरली यूज करके हम किस तरह का काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कार्ड का डिजाइन बनाते हैं सिंपल सा, जिससे हम इसको समझ सकें। तो उसके लिए हमने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के बाद यहाँ से हमने एक न्यू ब्लैंक या ये वाला डॉक्यूमेंट ले लिया है और उसको क्लिक करके हमने यहाँ से कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इंसर्ट में जाकर एक सिंपल सा कार्ड डिजाइन करने की कोशिश की है, जिसमें दो तीन ऑप्शन होंगे। यहाँ पर हमने उसका नाम लिख दिया अपने इदारे का, ठीक है। लिखने के बाद कंसोल करके सेलेक्ट ऑल किया इसको, यहाँ पे यहाँ से क्लिक करके इसको हमने टाइटल में कन्वर्ट किया, एंटर किया और यहाँ से साइज को रिड्यूस करके कम कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से साइज को इस तरह से कंट्रोल किया ताकि कार्ड की सूरत में आ जाए और यहाँ से क्लिक करके हमने इसको थोड़ा यहाँ पर से कम कर दिया। इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, हमें उसका यहाँ पे रोल नंबर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हमें उसका फुल नेम रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमें उसकी क्लास रिक्वायर्ड है और यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा बेहतर फॉन्ट देके राइट अलाइन करके इस तरह से रख दिया। यहाँ पर तो थोड़ा सा हमने इसको इस तरीके से कम कर लिया और डिजाइन में जाके, सॉरी ये वाला डिजाइन टेबल डिजाइन, यहाँ से इसको एक अच्छा से कलर स्कीम अप्लाई कर दी ताकि ये कुछ इस तरह का इफेक्ट इस पे बना हुआ नजर आ जाए, ठीक है। ये हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट बन गया, इसको मैंने कंट्रोल एस पे सेव किया और ऑप्शन करके ब्राउज करके वर्ड फाइल्स में जाके मैंने जतिन के फोल्डर के अंदर जाके इसको सेव कर दिया और उसका नाम रख दिया क्लास 25 मेलिंग्स क्लास 01, ठीक है, सेव कर लिया। अच्छा 15 लग गया, चलो ठीक है, और फिर उधर जाके चेंज करना पड़ेगा। ये फाइल को बंद किया मैंने, डॉक्यूमेंट्स में गया यहाँ से क्लिक करके, वर्ड फाइल्स में गया, जतिन के फोल्डर में गया, यहाँ जाके 15 को ठीक है और यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। अब मिसाल के तौर पे ये जो भी मैंने डिजाइन बनाया है, ये डिजाइन मुझे कैसा नजर आने वाला है, ऐसा ही नजर आने वाला है। अब आपसे सवाल ये होता है कि भाई ये ऐसा करें, ये कार्ड 20 स्टूडेंट्स के नाम में बना दें, 50 नाम के बना दें, तो आप क्या करेंगे, इस कार्ड को यहाँ से कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे, पेस्ट करेंगे और इस तरह से दूसरे स्टूडेंट का डेटा, तीसरे का डेटा इस तरह फिल करेंगे। मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें कार्ड का डिजाइन ये रहेगा, डेटा हम कहीं और स्टोर करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उतने स्टूडेंट का कार्ड ऑटोमेटिकली बना देगा और फ्यूचर में भी जब हम इसको चाहेंगे तो अपडेट कर लेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले अब आपने वो स्टेप समझ रहे हैं कि हम इसके ऊपर कैसे स्टूडेंट का डेटा लाएंगे। इसको खोलने के बाद आपने यहाँ पे जाना है मेलिंग्स में, मेलिंग्स में जाके यहाँ पे आपने क्लिक करना है सिलेक्ट रेसिपेंट और यहाँ से क्लिक करना है टाइप अ न्यू लिस्ट, क्लिक करना है इसके ऊपर, यहाँ से आपने करना है कस्टमाइज कॉलम। यहाँ पे वही कॉलम आप सेट करेंगे जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे से कॉलम मौजूद है, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट यस, डिलीट यस। एक शॉर्टकट डिलीट करने का ये भी हो सकता है कि जैसे मैं डी का बटन दबाऊं ऑल्टर के साथ और वाई का बटन दबाऊं विदाउट ऑल्टर, ऑल्टर डी वाई, 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 ऑल्ट डी वाई, ऑल्ट डी वाई, ऑल्ट डी वाई। अब जो एक रह जाए उसको रीनेम कर लूँ और उसको टाइटल ही रहने देता हूँ, ठीक है, और एड करा लेता हूँ दूसरा, जैसे टाइटल फर्स्ट नेम, एड लास्ट नेम, एड रोल नंबर, एड क्लास, और अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी इसमें से ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो भी आप ऐड करा सकते हैं, ओके कर दें। ये जो फील्ड्स आपने ऐड कराई हैं ये डेटाबेस की फील्ड्स हैं। अब इसके अंदर कोई भी एक रिकॉर्ड डाल दे, जैसे मिस्टर जहांजेब चौहान, रोल नंबर 6546321 ADIT,
और यहाँ से न्यू करें मिस्टर शोएब और वास्तु, इसका रोल नंबर हमने यहाँ पे डाला मिस्टर फरहान, इसका रोल नंबर हमने यहाँ पे डाला मिस्टर रोल नंबर हमने यहाँ पे डाला इसका रोल नंबर हमने यहाँ पे डाला और उसको सेंड किया। तो इस तरह डेटा ऐड करने के बाद हम ओके किया तो हमसे पूछेगा ये जो तुमने लिस्ट बनाई है ये कहाँ सेव करना है। अब आपने यहाँ होशियारी दिखानी है और बताना है इस लिस्ट को वहाँ सेव करना है जहाँ पे मेरा वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव हुआ है। तो मेरा वर्ड का डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ से सेव किया था उसी फोल्डर में जाऊँगा मैं, यहाँ से क्लिक किया डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल्स जबकि यहाँ पे सेव था और इस लिस्ट का नाम रख दूंगा स्टूडेंट लिस्ट या जो चाहे आप इसमें। ये वर्ड की फाइल नहीं होगी, डेटाबेस की फाइल होगी। ओके कर देंगे सर। अब आप फोल्डर में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको ये अलग से एक फाइल दिखाई देगी, लेकिन आपने इसको एक्सेस नहीं करना है, आप इसी फाइल पर आ जाओ। अब वो जो फील्ड वहां बनाई है वो यहाँ कैसे सेट करेंगे, देखें रोल नंबर क्या गया, रोल नंबर चाहिए यहाँ क्लिक किया। अभी आपने लिस्ट बनाई थी तो कहाँ क्लिक किया था, यहाँ पे। अब आप उस लिस्ट की फील्ड को रखना चाहते हैं तो कहाँ क्लिक करेंगे, मैलिक्स में आके राइट एंड इंसर्ट फील्ड में इंसर्ट मर्ज फील्ड, देखो वो सारी फील्ड नजर आ रही। तो रोल नंबर क्या गया, रोल नंबर और फर्स्ट टाइटल स्पेस फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम और यहाँ पे क्या आएगा क्लास। यहाँ पर डेटा कैसे डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले कराने के लिए आप कहाँ क्लिक करेंगे, प्रीव्यू और यहाँ से नेक्स्ट करने के लिए और यहाँ से बैक करने के लिए और दोबारा से डेटा को ऑफ करने के लिए और डेटा को थोड़ा बोल्ड और थोड़ा क्लासी बनाने के लिए और यहाँ से बैलेंस से जाके प्रीव्यू ऑन करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू को ऑफ करेंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट का डेटा आपको डिस्प्ले हो गया। अब अगर आपको नया डेटा डालना है तो क्या करेंगे, जब भी नया डेटा डालना है तो आप क्रिएट नहीं करेंगे लिस्ट, आप कहेंगे एडिट, क्या कहेंगे एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, जितने रिकॉर्ड है सारे नजर आ रहे हैं, डेटा सोर्स के लिस्ट का नाम और क्या करेंगे न्यू एंट्री और जैसे इसको क्लिक करके ओके करेंगे यस करेंगे तो नया डेटा अपडेट हो जाएगा फिर से देखने के लिए प्रीव्यू। सही, तो इस तरह आपका काम ये पक्का हो गया। अब इस फाइल को भी बंद कर दें। जब भी आपको अपनी फाइल खोलनी है तो आप अपनी ये वाली फाइल नहीं खोलेंगे, वर्ड की फाइल खोलेंगे और जब वर्ड की फाइल खोलेंगे तो इस तरह से आप कनेक्ट करने का पूछेगा तो कनेक्ट करेंगे। दोबारा देखें जैसे ही खोलेंगे वो बोलेगा मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो जाऊँ, कहेंगे हाँ कनेक्ट हो जाओ और रिकॉर्ड देखने के लिए आप मेलिंग पे जाएंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, पिछले वाले रिकॉर्ड अगले रिकॉर्ड और डेटा नया डालने के लिए प्रीव्यू ऑफ करेंगे और एडिट करेंगे डेटा सोर्स और एडिट नया रिकॉर्ड डालेंगे या किसी को डिलीट करना है तो यहाँ से उसको डिलीट भी कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है ये तो सर सबके कार्ड नजर आ रहे हैं, अब हर किसी का अलग अलग कार्ड कैसे बनेगा। जब भी आपको कार्ड अलग अलग बनवाने हैं तो आप क्लिक करेंगे फिनिश एंड एडिटिंग और यहाँ से जाएंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से क्लिक करेंगे ऑल। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये मेरी फाइल का नाम नोट कर लें। अब एक नई फाइल बनेगी जो इस फाइल से प्रोड्यूस होगी, जब वो बन जाएगी तो उसका ताल्लुक इससे नहीं होगा, उसमें हर किसी का कार्ड अलग अलग होगा। ठीक है, ये देखिए फाइल बन गई और ये फाइल यहाँ नजर आ रही है और देखें इसमें हर किसी का कार्ड अलग अलग। अब ये फाइल जो बनी है ये एक नॉर्मल वर्ड की फाइल है, इसका ताल्लुक इससे नहीं है, ये आपकी ओरिजिनल फाइल है जो डेटाबेस से कनेक्टेड है। अब इसकी आप पीडीएफ कैसे बनाएंगे, यहाँ से आप सेव पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लें अपने फोल्डर में कहीं भी, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ उसी फोल्डर में।
सेव हो गई। अब इसकी पीडीएफ बनानी है, फाइल में गए, एक्सपोर्ट, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस, उसी फोल्डर में मैंने सेव कर दिया। ये फाइल आप भले बंद कर दें, लेकिन ये जो आपकी ओरिजिनल फाइल है, इसमें जब भी आप नया, अब नए स्टूडेंट आ गए तो नया उसके अंदर रिकॉर्ड डाल दिया आपने, वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपको बार बार फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक ही दफा फाइल बनाने के बाद आप ऑल टाइम यूज कर सकेंगे। समझ में आ गई? और ये जो बनी है फाइल, ये देखिए मैं आपको सेंड कर देता हूँ। पीडीएफ बनाई है ना मैंने इसकी, इसका सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग कार्ड मौजूद हो जाता है।